नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आचार्य एकदेव। आप सब कैसे हैं? मुझे आशा है आप लोग कुशल मंगल से होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात कर रहे हैं जनवरी 2024 के मासिक राशि फल। मैंने मेष राशि का राशि फल, मासिक राशि फल बता दिया हूं। आज हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि का। उससे पहले मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक का पूरे एक एक राशि का एक एक वीडियो बना करके पूरे वार्षिक राशि फल का भी मैंने बता चुका है। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो उनको जरूर आप देख लीजिए। कुछ अगर समस्या हो तो आप अपने राशि और अपने लग्न, अगर आपका मेष लग्न है, राशि वृषभ है, तो आप दोनों वीडियो आप देखिए, तब आपको समझ में आएगा। अगर लग्न से आपको अच्छा लग रहा है और राशि से अगर खराब चल रहा है तो समझ जाइए आपका 70% आपका सही चल रहा है। अगर राशि के अनुसार से आपको उसमें बुरा बता रहा है, लग्न के हिसाब से अच्छा बता रहा है, तो आप समझ जाइए 50% आपका अच्छा है, माने अच्छा और बुरा मिक्स रहेगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और ज्यादा से ज्यादा आप अपने मित्रों को शेयर कीजिए। वीडियो को स्किप करके ना देखिए देखिए। और चलते हैं अपने विषय पे। जनवरी 2024 मासिक राशि फल। क्या आप यह सोचकर चिंतित हैं कि साल 2024 का जनवरी महीना कैसा रहेगा? यदि ऐसा है तो आज हम आपकी तमाम तमाम तरह की आशंकाओं पर, कुशंकाओं पे आज मैं विराम लगा देते हैं। विराम लगाने के उद्देश्य से ही जनवरी मासिक राशि फल आपके राशि के अनुसार लेकर आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको जनवरी माह 2024 के लिए बारहो राशि, मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक का संपूर्ण राशि फल, मेष राशि से मीन राशि तक जानने को आपको हमारे चैनल पे मिलेगा। मैं हूं आचार्य ज्योतिषाचार्य एकदेव। आप को जनवरी माह में आपकी राशि पर पड़ने वाले विभिन्न ग्रहों नक्षत्रों के प्रभाव को देखते हुए प्रत्येक राशि के अनुसार जनवरी 2024 के वार्ष मासिक राशि फल सटीक भविष्यवाणी कर रहा हूं। देखिए पूरा वीडियो। जनवरी माह 2024 का मासिक राशि फल। साल 2024 का जनवरी महीना आपका कैसा रहेगा? जब भी किसी माह की शुरुआत होती है तो हमारे मन में कई तरह की शंकाएं आने लगती है। कोई अपने परिवार को लेकर के चिंतित रहते हैं, तो किसी ने को अपनी नौकरी, व्यापार, बिजनेस, एग्जाम, कंपटीशन, शादी, विवाह, संतान, अनेक अनेक प्रकार के चिंताएं दिखाई देती हैं। मानव जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्या और विभिन्न प्रकार की खुशियां भी होते हैं। इसी के मद्देनजर रख के आवश्यक हो सकती है कि उसका अस्थाई समाधान है अपने भविष्य का पूर्ण अनुमान। यही कारण है कि आप भी जनवरी 2024 के राशि फल के बारे में जानने को बहुत ही उत्सुक होंगे, ताकि आपको अपने भविष्य का पहले से आपको अनुमान लग जाए और कुछ कमी हो तो उसको सुधार करें पहले ही। आप इसी तरह से आप जो है
अनुसार अपनी तैयारी करते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों का मासिक 2024 जनवरी माह 2024 की माह राशि फल। इस माह मुख्य आपके महिलाओं को अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग रहना है, सतर्क रहने की आवश्यकता है। जो वृषभ राशि की महिलाएं हैं, जो महिलाएं हैं उनको अपने स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सतर्क रहना है, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है। यदि आप पुरुष हैं तो अपनी माँ और पत्नी का ध्यान रखें। इस बार चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण आपका अपनी माँ व आपकी पत्नी के साथ संबंधों में खटास भी उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए आप धैर्य से काम लें, किसी चीज को लेकर परेशान रहेंगे, मित्रों का भरपूर आपको सहयोग मिलेगा जो आपके मन को प्रसन्न करेगा। घर का काम ज्यादा होगा जिस कारण व्यापार में कम ध्यान लगा पाएंगे। प्रेम संबंध में है तो किसी को आपके प्रेम के बारे में पता चल सकता है, जो बाद में आपके लिए समस्या उत्पन्न करेगा। वृषभ राशि के शुभ अंक जनवरी 2024 जनवरी माह के लिए वृषभ राशि के लकी नंबर 4 रहेगा। 4 नंबर लकी है, इसीलिए इस महीने में नंबर 4 का आप महत्व दें। वृषभ राशि का जनवरी 2024 माह के लिए वृषभ राशि के लिए लकी कलर जो आपका है वो आसमानी रहेगा, इसीलिए इस महीने आसमानी कलर को प्राथमिकता दें। मिथुन अब जो है ये लकी कलर है, और आपको उपाय के तौर पे मैं बताने जा रहा हूं, जो आप उपाय करके जो इसमें त्रुटि आ रहा है उसमें आप सुधार कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए, आपका जो है गुरु बृहस्पति जो आपके अष्टमेश और लाभेश के स्वामी होकर के आपके दूसरे भाव में विराजमान है, गोचर कर रहे हैं मई तक, और केतु आपके आपके पंचम भाव में बैठे हैं, जो इस वक्त आपको हो सकता है जो कि आपका सही फैसला आप नहीं ले पाते होंगे, थोड़ा कंफ्यूजन होंगे, और हो सकता है इस पे तंत्र पे भी आपको इस टाइम आपको विश्वास बढ़ सकता है। और शुक्र और बुध जो है वो आपके सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं, जो पूर्ण दृष्टि से आपको लग्न को देख रहे हैं। लग्न का आपका लग्ने शुक्र लग्ने से जो आपको पूर्ण सप्तम भाव से आपको लग्न को देख रहे हैं, और बुध भी देख रहे हैं, जो बुध आपके दूसरे और पंचम भाव ग्रह, तो व्यापार बिजनेस के लिए ये भी अच्छा रहे। मंगल और जो आपके मंगल आपके खर्चे भाव के स्वामी जो है बारहवें भाव का, वो मंगल और सूर्य देव जो चतुर्थेश आपके सुख के कारक है वो जाकर के आपका अष्टम भाव में बैठे। बस थोड़ा सा ही है, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा, जनवरी माह आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आप सभी वृषभ राशि के जातकों के लिए उपाय के तौर पे
यही रहेगा जो कि आप शिव मंदिर जरूर जाएं, वहां पे पूजा करें, और अगर कोई कुष्ठ रोगी को आप हेल्प करें, अनाथ आश्रम में कुछ हेल्प करें, अगर आपका कोई समस्या चल रहा है तो आप जा करके आप समस्या में दवाई, जब भी आप बीमार पड़ते हैं तो दवाई के लिए भी आपको धन खर्चा करना पड़ता है। उसी तरह से अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो जिस लाइन से आपको समस्या आ रहा है उसी चीज को आप करें। जैसे मान लिया अभी आपको करना है तो किसी महिला को आप, वृषभ राशि के जातक पुरुष अगर हैं तो किसी महिला को आप, जरूरतमंद को आप हेल्प करें। अगर आप कोई महिला हैं तो आप किसी पुरुष को हेल्प करें। उसके बाद शनिवार के दिन आप जो पीपल वृक्ष में जल चढ़ाते हैं वो चढ़ाइए। कुत्ते को प्रत्येक दिन आप कुछ न कुछ खाने को दीजिए। उसके बाद गुरु बृहस्पति के लिए आप ब्राह्मणों को दान दीजिए, उनका सेवा कीजिए। खास करके इस महीने वृषभ राशि को अनाथ आश्रम, कुष्ठ रोगी, इसको सेवा आपको करना है, चाहे आप महिला हैं या पुरुष हैं, दोनों के लिए है। और आप ये करें, इससे आपको बहुत बहुत लाभ मिलेगा। और इस टाइम में आप सिद्धि कुंजिका का पाठ करें और हनुमान जी का सेवा करें, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं तो कर लीजिए प्रत्येक दिन। नहीं कर सकते हैं सिद्धि कुंजिका का पाठ कर लिए, और हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ जरूर कीजिए, और कुत्ते को ज्यादा से ज्यादा सेवा कीजिए, ब्राह्मणों को सेवा कीजिए, गांव को सेवा कीजिए, पक्षियों को सुबह में दाना डालिए। इससे आपको बहुत बहुत लाभ मिलेगा। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने मित्रों को भी शेयर करें, मेंबरशिप ले लीजिए, सुपर थैंक्स दे दीजिए। और 2024 आप सभी को मंगलमय हो, स्वस्थ रहे, रहिए प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए। प्रेम से बोलिए राधे राधे।